जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज झारखंड में जो लड़ाई है जरूरी कितना है, आज झारखंड में आंदोलन जरूरी कितना है, सेटा के एगो जीता जागता तस्वीर देखवा लियो। मधुबन के सामने कोरिया बस्ती, एक गरीब दलित परिवार जकर में दीदी सब आये, जोहार तोनी के सब के रहले। दीदी तोनी बताओ कि आज जो तोनी के मकान मने प्रशासन के माध्यम से तोड़ल गेलो, तो एक की कारण है, काहे ऐसा कहले? पहले से तो कोई भी कुछ ना बोलले कि मन काहे बना ली ना बना ली, कुछ भी सूचना नहीं, घर ढाल दिया तखन भी सूचना ना आई। जब पैसा के बात आये कि हमको इतना पैसा दो, तो मेरा तो औकात ही नहीं था उतना देने, घोष वाला मीटर तो उतना देने औकात नहीं था, फिर भी रात में हम 5,000 रुपया दे दिए। 5,000 हाँ, 5,000 रुपया दे दे। तो कहल का है कि बोल इतना में ना भेतो ना तो टूट जितो घर। अच्छा, तो हमारा अकेले लेके गया बोला के यार उन्हें बोले बैठ के, तो हमें कहिए करिए कि जब ना भेतो तो जे बुझा कर दी, अब हमारे पास पैसा कौड़ी हो ना जे हम दबो दबो। एक तो हमारा आदमिया का भी बम्बई में कमा में रोक लाले काहे कि यहाँ 30,000 रुपया घर ढाले घर भेज दल के तब ढाले पार लगी, तो फिर वहाँ तो कम तो आवे दतल न पैसा पहले ले ला लगी। तो वह वजह से इस बार बार फोन करके यार कह दल के, तकर बाद उ सब अले यार एक बेग ओकर तोड़ल के, ओकर बाद तो डायरेक्ट हम अपने और यहाँ सारा सामान आल है, फोटो भी वीडियो भी सब देखा लगे, टोटल सामान यही पर हाल है, कपड़ा लता हर चीज यही पर हाल है। माने कोई सूचना भी नहीं दलो? कोई सूचना कि तो घर नोटिस भी कि तो खाली कर कहाँ जो ना, कहीं चल जो, कोई सूचना नहीं। तो देख सका लाग झारखंड के तस्वीर, बाद में केस कर लो नोटिस ले लो, बाद में आ लो बाद में। हाँ, नोटिस हुआ तो है, तोड़ला के बाद तो 29 तारीख के दलिए, अरे 29 तारीख के बोली ली 29 के दल का, फिर 29 के डेट वहाँ बोले। देख सकते हैं आप, और अभी 5 गो हमारे बाल बच्चा है, सब छोटे छोटे अभी हैं बहन वहाँ पे। वो समझे है दीदी कि छात के कतना, मैंने कहे ना सर मेरे को छत है, चाहे तो महत्व सभी जाना है, दुख के बात बहुत पीड़ा की स्थिति आए। और फिलहाल हम समिति के साथी सबसे कहे कि तब तक कुछ हमने के अगर व्यव है तो कुछ व्यवस्था, कम से कम त्रिपालिंग वगैरह या फिर कुछ भी हमने अगर सहयोग कर पाबे तो हमने प्रयास करब दीदी, क्या हमने स्टूडेंट लगे पढ़े वाला लगे, लेकिन तोनी के बात, तोनी के आवाज, तोनी के हक अधिकार खातिर हमने साथ नहीं लड़बो, कोई भी मामला हो तो हमने साथ ही हो। देख सकते हैं उल्टा केस इनके ऊपर, गरीब असहाय मजदूर लोग हैं, केस भी उनके लिए बना है। ये जो भारत के कानून बने हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी धाराएं, वो केवल और केवल गरीबों के लिए हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं के लिए कानून है, अमीरों के लिए, बड़े बड़े अफसर अधिकारी नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। देख सकते हैं गरीब परिवार पानी पर है, कहां रहते हैं आदमी बता, कहीं भी जगह ना रह दल का, उधर तो गोटे छुए लागले, उ तीन कन्या एले पूरा छुए लागले, गोटे दरेज गेल छत, यानी बारिश भी हो रही है, कभी कभी आ जाती है। आप सोचिए पखल पानी पूरा, पखल पानी दल ऐसे दिन, आप केवल कल्पना कर सकते हैं। ये फिल्म की कहानी नहीं है साथियों, ये रियल स्टोरी है, एक बहन की रियल घटना है। एक छोटा सा घर उसका, इनके पति महाराष्ट्र में कमाने गए हैं, वहां से उन्होंने 30,000 रुपया मदद भी भेजा घर के लिए। आप सभी जानते हैं कि माने प्रधानमंत्री आवास में क्या घुस चलता है और क्या प्रोसेस बनाने में, आपको जो पैसा आने से पहले आपको घर से खर्चा करना पड़ता है। दीदी ने भी जो इनके पति बाहर रहते हैं 30,000 रुपया भेजते हैं कि आवास आया है, लेकिन दुर्भाग्य उनके सपने, उनका मेहनत सारा चकनाचूर, घर से बहुत सारा पैसा लगने के बाद की उम्मीद थी कि ये सरकार से कुछ पैसा आएगा और सरकारी आवास ही था, लेकिन आप देख सकते हैं सब उठे वहाँ फेंक दिला, ढूके लिए सब सामानवा में, बेटिया खातिर लेके रख ले लिया थारा लोटा एगो गिलास डूबी और दो सीट छोड़ी वाला कपड़वा नहीं और दो साड़ी ले गया, लेके तब मान ले बाहर फेंकल रहते तो लगबे करते, अपने ले गेलो ना, अपनी नहीं लग रहा सर को माने यार कोई ले गेलो। हां जब फेंकल रहले घर के लोग ना हले तो के तो ले गेलो, तो और हमने सब गेल लिए ना घर से बाहर आ लिए, कोई भी ना आ लिए घर में, खाली एगो हमर दे बेटवा सुता ला ले दे ही एकरा बाहर कर दल के तिरती रहे हिए सुता ला ले उस दिन। देख सकते हैं अगर यही प्रशासन अधिकारी की टीम अगर किसी अमीर के घर जाती है तो सलाम ठोक के जाती है, उनके साथ घर में प्रवेश करने से पहले भी हिचकते हैं, और जब गरीब के घर आती है तो बाहुबली बनकर आती है, तब वो दबंग और रावड़ी राठौर और
बड़े बड़े 30 मार्खा बन के प्रशासन की टीम जब गरीब के घर आती है तो डरा के धमका के घर के सारे सामान को तोड़ कर चली जाती है, और जब किसी उद्योगपति अमीर के घर जाती है तो जी हुजूरी करती है, सलामी करती है, उसके बाद उनका एंट्री होता है। यही है भारत की तस्वीर, यही है झारखंड की कड़वी तस्वीर, आप देख सकते हैं। चाहूंगा आप लोग भी इस गरीब परिवार की तब तक जब तक कोई प्रशासनिक मदद ना आए आप लोग कम से कम मदद जरूर करेंगे, और हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितनी क्षमता हम लोगों से होगी, हमारे संगठन के साथियों से होगी, यहाँ मधुबन समिति की ओर से, हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। ठीक है दीदी, जैसने तो हम नहीं आए दीदी, ठीक है, हिम्मत ना हारिए, जैसने रहते हम साथी सब हम नहीं आए ले कुछ बहते हम नहीं जितना हम छपता हो हमने कुछ व्यवस्था करवाई दीदी। ठीक है दादी, आ गए प्रणाम दीदी जोहार, ठीक हो माना दुख के घड़ी लाए स्वभिक रहा है कि छात रहे ऊपर और उठाकर तोड़ दले ऊपर से इतना मेहनत के साथ, तो तोड़े साथ साथ जाना है भैया, इधर करकटवा सटा के रख ले लिया सी, करकटवा इधर घास का एक तोड़ दल क्रिकेट भी, इतना तो क्रूर किसी को नहीं होना चाहिए, अभी सब कर लिए है सब परसों दिन का सब इधर कर इधर का आधा टूट गया, इतना क्रूर तो किसी को नहीं बनना चाहिए, जो इतना क्रूर नहीं होना चाहिए मनुष्य को, अपने पता नहीं ये लोग तोड़ दले और ऊपर से वहाँ से उतना इटवा भी छिटल, पता नहीं ये लोग स्वर्ग लेके, खैर स्वर्ग नर्क की बातें तो किताबों में अच्छी लगती हैं, पता नहीं ये लोग धन को लेकर कहाँ जाएंगे, इतना गुरूर ये अहंकार ये घमंड लेके ये अधिकारी मंत्री कहाँ जाएंगे, आज नकल गरीब स्त्री बांधता चल जीते दूसरा आ जीते फिर दूसरा ये था, लेकिन आज तक इतना फलस्टर यहाँ बदली भला है कोई कुछ नहीं, इतना क्रूर नहीं बनना चाहिए। सुनने में आया कि अच्छा इनका ऐसे पहले हम लोग जिसको बोलते हैं क्रिकेट बोलते हैं वो क्रिकेट को भी तोड़ दिया, इतना तो क्रूर नहीं, उस क्रिकेट से क्या दुश्मनी था, आवास से आपका दुश्मनी था तो आवास से था कि आवास को गैर कानूनी था, ये आवास के बाद जिसे हम लोग क्रिकेट बोलते हैं उसको मैंने मार के तोड़ दिया गया है, यानी आप क्या चाहते ये परिवार दोबारा और घर ही ना बनाए, दर्जनों की संख्या में क्रिकेट है, क्रिकेट आप लोग समझते हैं जो ऊपर में हमें छारने का काम करते हैं, इसका वजह से ये भी यहाँ जनमल और जितना स्टाफ था सबको स्टाफ का लगा दिया, इधर से इतना एट वो इन्हें उन्हें कर दल का ऊपर से क्रिकेटवा देवलम सटाक रख ले लिए, तो बोल अपना हमारा देवाल में नहीं देंगे सटाने के लिए, हटाओ इसको आप मेरा पूर्वज का जमीन में बड़का फॉरेस्ट का घर बना लिए, हम लोग कुछ बोलने गए क्या, ये फॉरेस्ट कानून कब से आजाद भारत में है ना, पाषाण काल से हम लोग इस माटी में रहते हैं, हमारा इतिहास हजारों साल का है, आप हमारी जमीन में फॉरेस्टर, ये नियम कानून सब हमारे लिए हैं, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारा विनाश करने के लिए कोई कानून नहीं है, कानून है तो आइए बैठ के बात करते हैं क्या कानून है, कितना कानून है, आप लोग थोड़ा बैठाइए, कौन अधिकारी आते हैं, आइए कानून की बात बैठ के करते हैं, फर्क है कि अब वो एग्जाम पास करके नौकरी लिए हैं, हम लोग भी वही योग्यता रखते हैं जिस नौकरी को आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके कर रहे हैं कि इंटर करके, हम लोग भी मास्टर डिग्री हैं उसके बाद पीएचडी भी कर रहे हैं, आइए ना बैठ के बात करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं नियम कानून की, कीजिए एक आंख में काजर एक आंख में खरका वाला काम क्या करते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है, अगर फॉरेस्ट का कानून बनता है कि किसी के घर को उजाड़ने का भी आपको अधिकार देता है तो उजाड़िए, तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी उजाड़िए, पहले बड़ा बड़ा जो उनको उजाड़िए, मंदिर तो धर्मशाला वेलू फर्स्ट मना उसका बात तोड़ दिया, बड़े बड़े अमीर लोग अगर अपना व्यापार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, खैर आज के डेट में तो सभी को जानते हैं अब्राहम लिंकन में कहा था, बहुत दुख की बात है आज, ठीक है दीदी हमने खैर है वो हमने जो कुछ प्रयास जरूर किया जितना हमने क्षमता हो दीदी, ठीक है आप प्रणाम तो हाँ